السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और महतरम ख़वातीन इस्लाम, जिस मौजू के तहत चंद मिनट आपके सामने कुछ बातें पेश करना है वो है गफलत और सुस्ती का अंजाम। गफलत किसको कहते हैं और सुस्ती किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। गफलत कहते हैं कि कोई काम, कोई चीज़ इंसान को करना है लेकिन वो उसको बिल्कुल भुला बैठे, यहाँ तक कि ऐसा लगने लगे कि इस बंदे को ये काम करना है इसे याद भी नहीं, इसे गफलत कहते हैं। और सुस्ती, हम जानते हैं कि हमें याद है कि हमें ये काम करना है लेकिन हम उसको उसके वक्त पर अदा नहीं करते बल्कि सुस्ती करके किसी और वक्त में ले जा करके हम उस काम को अंजाम देते हैं, तो ये गफलत है और ये सुस्ती है। क़ुरान और हदीस के अंदर गफलत और सुस्ती की मजम्मत बयान की गई है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और इसी तरीके से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गफलत और सुस्ती से अल्लाह की पनाह तलब किया है, इसलिए कि जो इंसान गफलत और सुस्ती में पड़ जाए, चाहे दुनिया के हिसाब से या आखिरत के हिसाब से, तो उसका सरासर घाटा, खसारा और नुकसान हुआ करता है। तो यह है गफलत और यह है सुस्ती। अब ये देखते हैं कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में या आखिरत के हवाले से गफलत और सुस्ती का शिकार होता है तो उसके असबाब और उसके रीज़न क्या होते हैं। सबसे पहला सबब, दुनिया की मोहब्बत। यानी इंसान अपने आप को दुनिया में इतना मशगूल कर ले कि वो आखिरत से गाफिल हो जाए या आखिरत को भूल जाए। जब इंसान किसी एक चीज़ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो फिर वो आसपास की चीज़ों को नहीं देखा करता बल्कि बकिया सारी चीज़ों से वो गाफिल हो जाता है, गफलत का शिकार हो जाता है। दुनिया की मोहब्बत में इंसान मुब्तला हुआ, आखिरत से गाफिल हो गया। सुस्ती किया उसने तो आखिरत के मामले में बहुत पीछे हो जाता है। तो दुनिया की मोहब्बत एक बहुत बड़ा सबब है इंसान की गफलत का और आखिरत के ताल्लुक से गाफिल हो जाने का। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएंगे तो दूसरी उम्मतें इन पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। क्यों? इसलिए कि हम आखिरत से गाफिल हो गए, अल्लाह को हमने भुला दिया। मुसलमान जब अल्लाह को भूल जाएगा, दीन की मदद नहीं करेगा, दीन पर नहीं चलेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत की जो सज़ा इसको देंगे, आखिरत से गफलत की जो सज़ा इसको देंगे, वो बहुत ही भयानक होने वाली। दूसरी उम्मतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर काबिज कर देंगे और दूसरी उम्मतें इन पर मुसल्लत हो जाएंगी। तो ये पहला सबब है दुनिया की मोहब्बत। इंसान दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो आखिरत से गाफिल हो जाता है या आखिरत के मामले में सुस्ती करने लगता है। दूसरा सबब और वो है माल की मोहब्बत। भाई, हमें माल इतना कमाना है कि ना हमें नमाज का वक्त याद रहा, ना हमें अपनी और दीगर जिम्मेदारियों का वक्त याद रहा, ना बच्चों की तरबियत हमें याद रही, ना घर का माहौल हमें याद रहा, ना और कोई चीज़ हमें याद रही, इसलिए कि हम माल के पीछे पड़े हुए। माल 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 कमाने के चक्कर में हम बकिया सारी चीज़ों से गाफिल हो जाते। इसलिए अल्लाह ने कहा
अल्हाकुमुत्तकाथुर, ज्यादती की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया है। ज्यादती यानी माल, माल माल चाहिए इतना ज्यादा, हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, इतना इंसान माल के चक्कर में, माल की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है कि माल की मोहब्बत के साथ वो कब्र के अंदर दफन हो जाता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमलाउ जौफ इब्नी आदम इल्ला तुराब, कि इंसान का पेट सिवाय मिट्टी के कोई और चीज नहीं भर सकती। एक दूसरी हदीस के अंदर कहा, लौ कान लिबनी आदम वादियान मिन ज़हबिन लबतगा सालिसन, इंसान के पास दो वादी के बराबर सोना हो, पहाड़ों के दरमियान जो हिस्सा होता है खाली मैदान उसको वादी कहते हैं, का अगर दो वादी के बराबर भर भर के सोना इसके पास हो, लबतगा सालिसन, तो ये तीसरे की तलाश करेगा। इतनी ज्यादा माल की मोहब्बत में ये मशगूल हो गया है कि फिर बकिया सारी चीजों से ये अपने आप को दूर कर लेता है, गफलत का शिकार हो जाता है, सुस्ती में पड़ जाया करता है। तो ये दूसरा सबब है। तीसरा सबब और वो ये कि आखिरत की फिक्र ना होना, देखा जाएगा। और सारे लोग कहते हैं ना देखा जाएगा, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि नहीं भाई, मतलब मेरा क्या बिगड़ेगा। सूरह कहफ में अल्लाह ने वो बंदे का जिक्र किया है, दो लोगों की मिसाल दी, एक मालदार था एक गरीब था, दोनों दोस्त थे, साथ रहा करते थे। एक जिसके पास माल था, बाग था, नहरें थी, वो बड़ा घमंडी आदमी था। वो जब दूसरा वाला इसको समझाता था तो कहता था ये कि मतलब मुझे तो मरना नहीं है, क़यामत को नहीं आना है। वमा अज़ुन्नु सा'अत क़ाइमा, कहता था मुझे नहीं लगता कि क़यामत व्यामत आएगी। वला इरुदित्तु इला रब्बी, और अगर मैं अपने रब के पास लौटाया भी गया, लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, तो मुझे अपने रब के पास भी ऐसी ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। यानी इंसान आखिरत की फिक्र से अपने आप को इतना ज़्यादा उसने गाफिल कर लिया है कि वो बिल्कुल अपने आप को दुनिया में ऐसे रखता है कि उसे मरना नहीं है, और अगर मरना है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा वहाँ भी मेरी नैया पार लग जाएगी और मेरा काम वहाँ भी बन जाएगा। शैतान ने हमारे आमाल को इतना खूबसूरत बना करके हमारे सामने पेश किया है कि हमें ये लगता है कि नहीं, हमारा गलत काम भी हमें प्यारा लगने लगता है कि नहीं, मैं तो गलत नहीं कर सकता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह ने कहा, हुदहुद परिंदा जब वापस आया तो हुदहुद परिंदे ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ख़बर दी कि मैंने देखा है कि एक औरत लोगों पर हुकूमत करती। फिर उसके बाद क्या कहा उसने, मैंने उस औरत को और उसकी कौम को देखा, यस्जुदून अलिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, वो अल्लाह को छोड़ करके सूरज का सजदा करते हैं। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, और कहा कि शैतान ने उनके अमल को इतना खूबसूरत बना करके उन लोगों के सामने पेश कर रखा है कि उन्हें लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला दुनिया में कोई और नहीं है। हम भी ऐसे ही बन चुके हैं, मुसलमान भी ऐसे ही बन चुका है। रमज़ान आया चला गया, हमने नेकियां कर ली अल्लाह के फजल व करम से, लेकिन अब ऐसे बन गए हैं कि ऐसा लगता है कि बस अगर हम कुछ ना करें तो बस सारा मामला हमारा क्लियर है। ये आखिरत की फिक्र हमारे दिलों में नहीं है। अल्लाह ने कहा, इक्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब किताब का वक्त करीब आ रहा है और लोग हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं और गफलत की वजह से मुंह मोड़ कर बैठे। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदथिन इल्ला इस्तमऊहु, अल्लाह कहते हैं कि इनके पास इनके रब का जिक्र किया जाता है, रब की बातें बताई जाती हैं, गौर से सुनते तो हैं लेकिन वहुम यलअबून, फिर से खेल कूद में मस्त हो जाते। लाहियतन क़ुलूबुहुम, इनका दिल दुनियावी जिंदगी में, दुनियावी चीज़ों में लगा रहता। कितनी मजलिसें होती, कितने बयानात, कितने दुरूस, कितने पैगामात, जुमा के खुतबात, सारी चीज़ें होती हैं। रमज़ान भर आपने सारी चीज़ें सुनी और सुनते रहते हैं, लेकिन हमने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि ऐसा लगता है हमें हिसाब किताब अल्लाह क्या नहीं देना। हिसाब किताब से आखिरत की फिक्र नहीं है, मौत की फिक्र नहीं है हमें, कब्र की फिक्र नहीं है हमें। और जब मौत की, कब्र की और आखिरत की, जन्नत की जहन्नम की हमें फिक्र ना हो, तो ऐसी सूरत में हम बहैसियत इंसान गफलत के और सुस्ती के शिकार हो जाएंगे। कभी किसी ने याद दिला दिया
तो कुछ काम कर लिया, कोई नेकी कर ली, याद नहीं दिलाया तो गाफिल बने बैठे, दुकान में बैठे, घर में बैठे, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आखिरत की फिक्र ना होना ये गफलत और सुस्ती का एक बहुत बड़ा सबब है। इसी तरीके से चौथा सबब, बुरों और गफलत में पड़े हुए लोगों की सोहबत। अभी हदीस आपने सुनी, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंदुर अहदुकुम मन युखालिल, हर इंसान को देखना चाहिए कि वो कैसे लोगों को अपना दोस्त बना रहा है। इसलिए कि दोस्ती का बहुत गहरा असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। अगर दोस्त अच्छा है आप अच्छे बनेंगे, अगर दोस्त बुरा है तो फिर आप भी बुरे बन जाएंगे। दोस्त गफलत में आप भी गफलत में, दोस्त सुस्ती करता है आप भी सुस्ती में पड़ जाएंगे। तो बुरों की और गफलत में पड़े हुए लोगों की सोहबत ये इंसान को गफलत में और सुस्ती में डाल दिया करती है। ये एक और चौथा सबब। पांचवा और आखिरी सबब जो है वो ये कि आज नहीं कल पर टालने की आदत। हमारे यहाँ देखे लोगों की आदत है, आज नहीं करेंगे, कल से, परसों से, जुमा से, रमज़ान से, फलाने दिन से, फलाने दिन से, ये लोगों ने आदत बना लिया। इस तरीके की बातें, इस तरीके के जुमले लोग अदा करते हैं, सुबह से नहीं शाम से, शाम से नहीं सुबह से, दोपहर से नहीं रात से, रात से नहीं दिन से, इस तरीके के जुमले बोलते। तो आज नहीं कल पर टालने वाली जो आदत है ना, वो इंसान को खाई में गिरा देती है, इंसान को गफलत में डाल दिया करती है। इसलिए कि आज नहीं कल, आज नहीं करूंगा, क्या पता कि कल आने से पहले हमारी मौत आ जाए, हमको हमारा इंतकाल हो जाए। और ऐसे कितने लोग, कितने नमूने हमारे दरमियान हैं कि वो गफलत में पड़े हुए थे, उन्होंने सोच रखा था बुढ़ापा आएगा, 40-50 साल के होंगे, इबादत कर लेंगे, लेकिन क्या हुआ, उससे पहले उनका इंतकाल हो गया, टाइम पूरा हो गया, उनका जिंदगी खत्म हो गई, फुल स्टॉप लग गया। तो आज नहीं कल वाली जो आदत है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। आज नहीं कल ये गफलत में पड़ने का एक बहुत बड़ा और बुनियादी सबब है, और ये चीज अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे लोग पसंद हैं जो काम को उसके वक्त पर अदा किया करें। इसलिए अल्लाह ने नमाज को वक्त पर फर्ज किया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबं मौकूता, नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। हर चीज का एक वक्त होता है, उस काम को उसके वक्त पर हमें अदा करना चाहिए। तो ये पांच असबाब जो मैंने आपके सामने जिक्र किए कि इंसान गफलत और सुस्ती क्यों करता है, ये पांच असबाब बताए। अब आइए देखते हैं कि एक इंसान अगर गफलत का शिकार होता है या सुस्ती करता है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। सबसे पहला अंजाम कि ऐसा इंसान मुनाफिकीन की जमात में शामिल हो सकता है। इसलिए कि गफलत और सुस्ती ये मुनाफिकीन की सिफत है। अल्लाह ने कहा कुरान में, वइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, कि जब मुनाफिकीन नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते, युराउनन्नास, लोगों को दिखाते हैं, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह का बहुत कम जिक्र करते हैं, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उला वला इलाहा उला, उनका दिल कहीं नहीं लगता, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। तो ये गफलत जो है, ये सुस्ती जो है, ये इंसान को मुनाफिकीन की जमात में दाखिला करवा सकती है, और ये बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक बात है। इसलिए कि मुनाफिकीन का अंजाम क्या है, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दर्किल असफल मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले वाले हिस्से में रहेंगे। इसलिए गफलत और सुस्ती से हमेशा अपने आप को बचा कर रखें, वरना मुमकिन है कि मुनाफिकीन की जमात में ऐसे लोगों का दाखिला हो जाए। ये पहला अंजाम और पहला भयानक अंजाम। दूसरा अंजाम जो है वो ये कि कामों का एक बड़ा सा बोझ इंसान के ऊपर आ जाता है। भाई आप किसी चीज़ से गाफिल हो गए, दो महीना, चार महीना, छः महीना, एक साल गाफिल रहे, एक साल के बाद आपको याद आया, अरे मुझे तो ये काम करना था, याद आ गया, अच्छी बात है। लेकिन अब आपके ऊपर जो इतना बड़ा कामों का बोझ पड़ा हुआ है ना, उसका क्या करेंगे। कंपनी में आप काम करते हैं,
रोजाना का काम आपको रोजाना करना है, लेकिन आपने कंपनी को कोई काम करके नहीं दिया, गाफिल रहे अपनी जिम्मेदारियों से, तो एक साल के बाद गर्चे आपको याद आ जाए लेकिन एक साल के बाद कंपनी आपको फायर कर देगी, चलो निकलो यहां से, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। ये कामों का बोझ इंसान को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है और इंसान जो है फिर वो कभी खुदकुशी करता है, कभी कोई और गलत कदम उठाता है, कभी चोरी करता है, कभी किसी को मारता है, कभी कुछ और काम करता है। क्यों? इसलिए कि गफलत में पहले था, एक साल के बाद ख्याल आया तो अब उसके लिए गलत गलत रास्ते वो अपना रहा। तो ये गफलत का अंजाम है, कामों का एक बड़ा सा बोझ इंसान के ऊपर जमा हो जाता है, ये काम भी करना, ये करना, ये करना, ये करना, और टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। तो रोजाना भाई, रोजाना अगर आपको 10 किलो उठाना है, रोजाना अगर आपको 10 किलो उठाना है तो रोजाना उठाएं। अगर आप 10 दिन नहीं उठाते हैं, 10वें दिन आपको ख्याल आता है तो 100 किलो हो जाएगा, उठाएंगे कैसे उसको, उसको उठाएंगे कैसे? फिर वो क्या है, वो शॉर्टकट का सहारा लिया जाए। हमारे यहां दीन में बहुत आसान बना लिया लोगों ने, कजाए उम्री पढ़ते, भाई पूरी जिंदगी नमाज ना पढ़ो, कजाए उम्री पढ़ लो, मामला हल हो जाएगा। ऐसे दीन थोड़ी चलता है, ये सारी आसानियां इंसानों ने बना रखी है, शरीयत में इस तरीके की कोई तालीम नहीं देते। तो ये बहुत अहम चीज है कि काम को उसके वक्त पर अदा करना। अगर गफलत हुई, सुस्ती हुई, तो मुमकिन है कि कामों का एक बड़ा सा बोझ आपके सामने आ जाए, और जब वो बोझ आएगा तो मुमकिन है कि आप कोई गलत कदम उठाएं, कोई गलत कदम उठाएंगे तो उसका गलत नतीजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तीसरा अंजाम, इबादतों की कबूलियत में रुकावट, इबादतों की कबूलियत में रुकावट की मुमकिन है आप गाफिल हो गए। भाई दुआ हम मांगते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुआ मांगो तो अल्लाह से यकीन के साथ मांगो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह गफलत में और खेल कूद में पड़े हुए दिल की दुआएं कबूल नहीं करता। तो अगर हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह मुझे ये दे दे, लेकिन हमारा दिमाग दुकान में है, हम दुआ मांग रहे हैं और हमारा दिल हाजिर ही नहीं, दुआ के साथ अटैच ही नहीं है वो, हम दुआ मांग रहे हैं और हमारा दिल किसी और चीज में लगा हुआ है, हालांकि हम अपनी जबान से कुछ बोल रहे हैं लेकिन हमारा दिल उसका साथ नहीं दे रहा, तो फिर अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं करेगा, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल नहीं करेगा। तो इबादतों की कबूलियत में रुकावट भी ये चीज बनती है कि आपका दिल गाफिल हो, आपका जहन गाफिल हो। देखें, इसीलिए क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, दिल हाजिर नहीं है तो क्या है, टीचर मारता है या मारती है कि भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ है, पनिशमेंट मिलती है उसको, सजा मिलती है। तो जो काम हम कर रहे हैं ना, उसके कबूल होने में मुमकिन है हमारी गफलत, हमारी सुस्ती रुकावट बन जाए। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गफलत से और सुस्ती से अल्लाह की पनाह मांगा करते कि इसलिए कि गफलत और सुस्ती इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। और अगर मेरा दिल गाफिल हो गया अल्लाह के जिक्र से, तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से अगर मेरा दिल गाफिल हो गया है तो फिर अल्लाह भी मुझे याद नहीं करेगा, अल्लाह भी मुझसे मुंह मोड़ लेगा, मैं अल्लाह को भूल जाऊं तो अल्लाह मुझे भूल जाएगा। ये तो उसूल है उसका, ये उसका कायदा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो मैं याद करूंगा। लेकिन अगर मेरा दिल गाफिल हो जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से या दीन की बातों से और दीन की बातों पर अमल करने से अगर मेरा दिल गाफिल हो जाए तो फिर क्या होगा नतीजा इसका, फिर आगे चल करके मुमकिन है मेरी ये गफलत मेरी इबादतों में, मेरे कामों की कबूलियत में रुकावट का सबब बन जाए। तो ये बहुत खतरनाक अंजाम है कि जो इंसान को या गफलत में पड़े हुए, सुस्ती में पड़े हुए इंसान को इसकी सजा मिल सकती है। इसी तरीके से एक अहम सजा, नदामत, पछतावा और अफसोस। गफलत, इंसान गफलत में पड़ा रहता है लेकिन होश कब आता है उसको, जब वक्त गुजर जाता है। बच्चा पूरे साल पढ़ा, मेहनत नहीं किया, एग्जाम आया, फेल हो गया तो क्या कहता है, काश मेहनत किया होता, या कोशिश में कमी रह गई, पास तो हो गया लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, तो क्या कहता है, काश थोड़ी कोशिश और कर लिया होता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। बारिश का मौसम आ गया, आपने अपना सर छुपाने का इंतजाम नहीं किया तो क्या होगा, आप भीगेंगे, आपको बारिश का पानी लगेगा, मुमकिन है आप बीमार हो जाएं,
तो आप अफसोस करेंगे, काश मैं छतरी लेकर आया होता, काश मैं कहीं रुक गया होता। तो फिर अब काश बोलने का कोई फायदा नहीं है। या लैतनी कुंतु तुराबा, या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना अर-रसूला, या वैलता लैतनी लमत्तखिद फुलानन खलीला। कुरान में ऐसे कई मर्तबा, कई जगहों पर अल्लाह ने काश 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 जिक्र किया है कि इंसान कहेगा ऐ काश मैं मिट्टी हो जाऊं, ऐ काश मुझे यहाँ मौत आ जाए, ऐ काश मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए, आखिरत के लिए कुछ किया होता, ऐ काश मैंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती, ऐ काश मैंने ये किया होता, ये किया होता, ये किया होता, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नम का दारोगा कहेगा अलम यातिकुम नज़ीर, इधर आ रहे हो, कोई डराने वाला नहीं आया। कालू भला, कहेंगे आया तो था। फिर कद जाअना नज़ीर, आया था हमारे पास डराने वाला, फकद दबना, हमने झुटला दिया उसको। वकुल्ला, और हमने कहा मा नज़लल्लाहु मिन शय, जाओ अल्लाह ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, कौन सी बात करते हो। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम खुली हुई गुमराह में। लोग उलमा को बुरा भला कहते ना, जाओ जाओ अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे, समझाने वालों को कहते। तो ये रवैया जो इंसान का है ना, गफलत में पड़े हुए लोगों का, जब वहां आखिरत में जहन्नम का दारोगा सवाल करेगा, ये जवाब देंगे अपनी जबान से, कहेंगे डराने वाला आया, समझाने वाला आया, हमने ही उसकी बात नहीं मानी। फिर क्या कहेंगे, लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक्ल, ऐ काश हमने सुना होता, हमने अकल से काम लिया होता, तो मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम वालों में से ना होते। अल्लाह क्या कहते हैं आगे, फअतरफू बिज़म्बिहिम, इन लोगों ने अपने गुनाह का एतराफ किया है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने दुनिया में गलत किया, लेकिन अब आखिरत में एक्सेप्ट करने का कोई फायदा है नहीं। फसुहकल लि अस्हाबिस सईर, जहन्नम वालों के लिए दूरी हो, यहां कबूल कर रहे हो, यहां अफसोस, यहां नदामत, यहां पछतावा, कोई फायदा नहीं। ये काम दुनिया में करने का था, ये काम दुनिया में करना चाहिए था। चलो मान लिया इंसान हो, थोड़े दिन गफलत मुमकिन है, हो जाए, शैतान के बहकावे में आ जाए, नफ्स के बहकावे में आ जाए, लेकिन ये गफलत पर नदामत, शर्मिंदगी, ये दुनिया में कबूल थी, अब आखिरत में और वहां फैसला हो जाने के बाद कितना भी पछतावा कर लो, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला। तो मौका है, अभी हमें अपनी इस्लाह करना चाहिए, हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए। हम किसी भी एतवार से, दीन के किसी भी एंगल, किसी भी गोशे के हवाले से अगर हम गाफिल हो, तो हमें अपनी ज़िंदगी चेक करना चाहिए। नमाजों का मामला हो, कुरान की तिलावत का मामला हो, दुआओं का मामला हो, माँ बाप के लिए दुआएं करने का, उनकी खिदमत करने का मामला हो, और इसी तरीके से भलाई का हुक्म देने, बुराई से रोकने का मामला हो, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने का मामला हो, कुरान के उसूल और कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मामला हो, और दीगर तमाम लोगों के जो हुकूक़ हैं, वो हुकूक़ का जिस एंगल में, जिस तरीके से भी हमारी ज़िंदगी में कोताही और गफलत है, यहाँ ठीक कर लेना चाहिए। इसलिए कि अभी मौका है, अभी ज़िंदगी है, अभी मौका है, अभी ज़िंदगी है, वरना वहाँ अल्लाह अपना तो हिसाब लेगा ही, बंदों के दरमियान भी अल्लाह हिसाब किताब कराएगा, किसके किसके हुकूक़ के ताल्लुक़ से तुम गाफिल रहे। इसलिए सोचना चाहिए, होशियार होना चाहिए। और इस दर्स के हवाले से आखिरी बात जो मैं करूँगा, वो आखिरी बात यह है कि गफलत और सुस्ती से हम अपने आप को कैसे बचाएं। तीन बातें मैंने की, गफलत और सुस्ती किसे कहते हैं, गफलत और सुस्ती के असबाब क्या हैं, और गफलत और सुस्ती का अंजाम क्या है। ये ज़ाहिरी बकिया, आप गफलत में पूरी ज़िंदगी बंदा पड़ा रहे तो फिर आखिरत में उसका अंजाम क्या है, जहन्नम जाएगा। हाँ ठीक है, ईमान है तो मुमकिन है अल्लाह माफ़ करके उसे जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन अगर सजा में डाल दिया अल्लाह ने, तो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो कितनी ख़तरनाक, कितनी ख़तरनाक बात है कि एक लम्हे के लिए एक, बड़े बाज़ लोग कहते हैं अरे चलो ईमान है तो जन्नत में तो चले जाएंगे ना, लेकिन अगर अल्लाह ने सारे गुनाह पहली फुर्सत में माफ़ नहीं किए और आपको जहन्नम में गुनाहों की सज़ा के लिए डाल दिया, तो इस हवाले से हम सोचते नहीं, इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। तो ये तीसरी बात, गफलत से और सुस्ती का जो अंजाम है वो क्या होता है। अब आखिरी बात, गफलत और सुस्ती से अपने आप को कैसे बचाएं। मैं चंद एक चीज़ें इख्तिसार के साथ रखकर बात ख़त्म करूंगा। पहली चीज़ ये है कि दुआओं का और अज़कार का एहतमाम करें। सुबह शाम के अज़कार जो हैं बतौर ख़ास हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए,
इसलिए कि आप देखें जितने भी अस्कार हैं उसका कोई ना कोई फ़ायदा बताया गया। खासतौर से देखें बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, कितनी बेहतरीन दुआ या जिक्र आप उसको कह लें कि बंदा तीन बार पढ़ ले तो अल्लाह की तरफ से वो महफूज हो जाता, कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। सुबह को तीन बार, शाम को तीन बार पढ़ ले। इसी तरीके से सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت। اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائیں مانگتے تھے, کئی ایک دعائیں مانگتے تھے, اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء, اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال। ये वो दुआएं हैं कि जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अपने लिए खैर मांग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगते थे, अल्लाह फलां 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 सुस्ती गफलत और आजिज़ी बेकसी बेचारगी मजबूरी लाचारी इन सारी चीज़ों से अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता। तो दुआओं का और अज़कार का एहतमाम बतौर ख़ास हमें करना चाहिए, इसलिए कि हम दुआएं करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ख्याल रखता है। दूसरी बात कि गफलत और सुस्ती से अपने आप को कैसे बचाएँ, ये बात हमेशा याद रखें कि दुनिया की ज़िंदगी को ख़त्म हो जाना है, कितनी भी लंबी हो जाए, कितनी भी लंबी, 200 साल 200 साल जी लें, 300 साल 500 साल जितनी भी लंबी हो जाए, इसे ख़त्म हो जाना है। क़यामत तक कोई ज़िंदा रह ले, लेकिन क़यामत के आते के साथ ही सारा मामला ख़त्म हो जाए, भारी भरकम आसमान ज़मीन सब ख़त्म हो जाएंगे, पहाड़ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो हमारी और आपकी क्या हैसियत। ये हमेशा ये बात याद रखें कि दुनिया की ज़िंदगी को ख़त्म हो जाना है और मौत एक ना एक दिन आकर दबोच लेगी। ये एहसास, इससे हम गाफिल हैं, ये एहसास अगर हमारे अंदर ज़िंदा हो गया कि मुझे मर जाना है, तो फिर इस एहसास के ज़िंदा होने के साथ ही हम मौत और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी की फ़िक्र में लग जाएंगे, और जब फिक्र में लगेंगे तो गफलत से सुस्ती से अपने आप को हम बचा सकेंगे और इसका बेहतरीन फ़ायदा हमें दुनिया में और आखिरत में हासिल होगा। तीसरी बात, दुनिया फ़ानी है और आखिरत बाकी है। दुनिया एक तो बात है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, चलो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो लेकिन दुनिया तो रहेगी ना, तो क्या दुनिया भी रहेगी? नहीं, ये भी ख़त्म हो जाएगी। भाई दुनिया में जो पहले इंसान आए आदम अलैहिस्सलाम, इतना लंबा ज़माना गुजर गया, तो अभी दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई है। काबिल जो सबसे पहला कातिल है, सबसे पहला मर्डर करने वाला है, उसने इतना बड़ा गुनाह किया, वो पहले इंसानों में से एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, तो क्या अब वो अपने आप को महफूज समझे कि चलो ज़िंदगी तो ख़त्म हुई है ना, दुनिया तो ख़त्म नहीं होगी? नहीं, गलत बात। क़यामत के आते ही ये दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, सूरज की रोशनी ख़त्म, चाँद बेनूर, सितारे बेनूर, पहाड़ चलाए जाएंगे, आसमान को लपेट लिया जाएगा, पहाड़ों को ज़मीन को आपस में टकरा दिया जाए, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मौत बाकी रहने वाली। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया कि जैसे आप अपनी उंगली समंदर में डालें और निकालें, जितना पानी आपकी उंगली में लगा है यही दुनिया है, और जो पानी समंदर में है वो आखिरत है। बेवकूफ़ है वो इंसान जो इस उंगली में लगे हुए पानी की फिक्र करे इसे पाने के लिए और पूरा समंदर का पानी भूल जाए। बेवकूफ़ है ऐसा इंसान, बदनसीब है, बदकिस्मत है ऐसा इंसान, निहायत गया गुजरा है कि जो दुनिया के चक्कर में जो 60-70 साल की है, ठीक है आप एतदाल में हद में और हलाल तरीके से आप दुनिया कमाएं, अच्छी बनाएं, फिक्र करें, कोशिशें करें, मना नहीं है, शरीयत मना नहीं करती है, लेकिन दुनिया के चक्कर में आप इस कदर मुब्तला हो जाएं कि ऐसा लगने लगे काफिरों वाला रवैया, अइदा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउ बईद,
हम मर जाएंगे, हड्डियां गल सड़ जाएंगी, दोबारा उठाया जाएगा। इन्ना लमबउसून, दोबारा उठाया जाएगा। अवा आबा उनल अव्वलून, हमको ही नहीं हमारे अब्बा को, हमारे आबा व अजदाद को भी। अल्लाह कहते कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, पहले वालों को भी बाद वालों को भी। लमजमूउन इला मीकात यौमिन मालूम, सबको एक मुकर्रर दिन में जमा किया जाएगा और फिर उसके बाद हिसाब किताब होगा। दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है, और आखिरत के मैदान में मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, जो जन्नत में वो जन्नत में, जो जहन्नम में वो जहन्नम में। आज के बाद कभी किसी को मौत नहीं आने वाली, दुनिया फना हो जाएगी, दुनिया को ख़त्म हो जाना। ये एहसास हमारे दिलों में होना चाहिए कि ये दुनिया जिसके लिए मैं गाफिल हूँ या जिसकी वजह से मैं अल्लाह के ज़िक्र से अपने आप को दूर रख रहा हूँ, इसको ख़त्म हो जाना है। तो अगर ये एहसास पैदा हो गया तो फिर आखिरत के ताल्लुक से हम और आप अपने आप को होशियार कर सकेंगे। इसी तरीके से एक और चीज़ जो हमें गफलत और सुस्ती से बचा सकती है, और वो ये कि हिसाब किताब का खौफ हमारे दिलों में होना चाहिए। हर बंदा, मैं, आप, हमने अपने लिए कितने अच्छे आमाल किए, क्या क्या किया, हम सब जानते हैं अपने बारे में। क़यामत के दिन अकेले अकेले अल्लाह बुलाएगा, हिसाब लेगा। इक़रा किताबक, लो अपना नामे आमाल पढ़ो। कफ़ा बि नफ़्सिक अल्यौमा अलैका हसीबा, आज हिसाब किताब के लिए तुम काफ़ी हो। तुम अपने आप के बारे में सोच लो कि तुम्हारा क्या फ़ैसला होना चाहिए। हिसाब किताब का खौफ, अल्लाह ने क्या कहा, क़यामत करीब आ रही है, मौत करीब आ रही है, इंसान धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी है कि ये हिसाब किताब का खौफ इसके दिलों में नहीं है। वो रब जो इतना अजीम है, वो बुलाएगा, पूछेगा, सवालात करेगा, क्या किया क्या नहीं किया पूरी ज़िंदगी का। तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में वो रब सवाल करेगा। सब सवालों का जवाब देना हमको। हिसाब किताब का खौफ अपने दिलों में पैदा करें। यह हिसाब किताब का खौफ मुझे और आपको गफलत से और सुस्ती से बचाने में मददगार साबित होने वाला है, लिहाजा इसका एहसास पैदा करें। और आखिरी बात, कामयाबियाँ, यानी ये बात याद रखें कि कामयाबियाँ और तरक्कियाँ जो मिलती हैं वो गाफिलों को नहीं मिला करती। गफलत में पड़े हुए लोगों के हाथ कभी कामयाबी नहीं आती। जो रातों को सोता हो, दिन में मौज मस्तियां करता हो, और जो साल भर गफलत में पड़ा हुआ हो, और एग्ज़ाम के टाइम वो थोड़ा सा होशियार बन जाए और ये सोचे मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो मुमकिन है कि वो पास हो जाए, लेकिन कामयाबी और तरक्की उसे नहीं मिलने वाली। कामयाबियां और तरक्कियां हमेशा मेहनत करने वालों के हाथ आती हैं, कोशिश करने वालों के हाथ आती हैं। बिकदरिल कद्दी तुक्तसबुल मआली वमन तलबल उला सहिर अल्लयाली, अरबी का शायर कहता है कि इंसान की कोशिशों के मुताबिक उसे मर्तबे मिलते हैं, और जो बुलंद मर्तबा चाहता हो उसे रातों को जागना चाहिए। वअल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ वअन्न सअयहु सौफ़ युरा, इंसान जो कोशिश करेगा उसका नतीजा उसको मिलेगा, और उसकी कोशिश का बेहतरीन नतीजा या पूरा पूरा नतीजा एक दिन उसके सामने उसको दिखा दिया जाएगा। हमारी यहाँ जैसी कोशिश होगी, जैसी भाग दौड़ होगी, आखिरत में उसका वैसा ही नतीजा हमारे हाथ आएगा। लेकिन ये उसूल याद रखें कि कामयाबी और तरक्की के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको होशियार रहना होगा, गफलत और सुस्ती को आपको दूर फेंकना होगा। वरना अगर गफलत में पड़े रहे, सुस्ती में पड़े रहे, और ऐसे ही रमज़ान के गुजर जाने के बाद अगर हमने अपने आप को उसी रमज़ान के मुसलमान जैसा मुसलमान बनाकर नहीं रखा, बल्कि गफलत में पड़ गए, सुस्ती में पड़ गए, तो उसका बहुत ही भयानक अंजाम मुमकिन है कि दुनिया में भी मिले, आखिरत में भी मिले। सुस्ती का क्या अंजाम हो सकता है और इसकी क्या सज़ा हो सकती है, उसके लिए एक वाक़िया जो बहुत मशहूर है, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तीन सहाबा जंगे तबूक से पीछे रह गए सिर्फ सुस्ती की वजह से। उन लोगों ने आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात भी बयान की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ सुस्ती और कोताही की वजह से हम आपके साथ जंग में शरीक नहीं हो सके। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, 40 दिनों तक बाइकाट रहा,
तमाम कोई मुसलमान बात नहीं कर रहा उनसे, किसी ने भी बात, किसी को बात करने की इजाजत नहीं थी। और 40 दिन गुजरने के बाद ऐलान हुआ कि बीवियों से भी अलग हो जाओ, अभी तक बीवी के साथ रहा करते, कहा तलाक देना है, कहा तलाक नहीं देना है, बिस्तर अलग कर ले, बिस्तर अलग कर ले। 50 दिनों तक काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, हिलाल बिन उमैया, ये तीनों सहाबा सुस्ती और कोताही की सजा भुगतते रहे कि सोशल बाइकाट कर दिया गया, सामाजिक बाइकाट कर दिया गया, सब लोगों ने इनसे अपना ताल्लुक तोड़ लिया। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी आता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं सलाम करता था, नबी अपना चेहरा फेर लिया करते थे, मुझे मालूम नहीं पड़ता था कि नबी मेरे सलाम का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। किसकी सजा है? ये कोताही और सुस्ती की सजा है। 50 दिन तक, आप सिर्फ एक दिन का तस्वूर कर लें कि समाज से आपको बाइकाट कर दिया जाए, कोई आपसे बात ना करे, आप नेट की दुनिया से आपको बाइकाट कर दिया जाए, कितने परेशान होते हैं, किस तरीके के, मतलब ये सजा किस तरीके से सहाबा ने वो 50 दिन गुजारे होंगे। लेकिन चूंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वाकई हमने गलती की और सच बोल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के, लिहाजा सच बोलने का और एहसास का फ़ायदा उनको हुआ और अल्लाह ने उनके कुरान में तारीफ़ की, उनकी तौबा कबूल की। तो अब भी मौका हमारे पास है, हम जिंदा हैं, तो जिंदा रहते हुए अगर गफलत और सुस्ती से हमने तौबा कर लिया, अच्छा बना कर रखा, सिर्फ रमज़ानी बना कर नहीं रखा बल्कि एक बेहतरीन मुसलमान अपने अपने आप को बना कर रखा, एहसास पैदा हो गया, गफलत और सुस्ती को छोड़ दिया और होशियारी के साथ हमने दुनिया के अंदर आखिरत की तैयारी की, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों को, हमारी लफ्जिशों को, गुनाहों को यकीनी तौर से वो माफ़ करने वाला है और वो माफ़ करने के लिए तैयार भी है। लेकिन अगर हमने गफलत में अपने आप को रखा, सुस्ती करते रहे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आप तसव्वुर करें नमाज में सुस्ती करने वालों के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है, हलाकत है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती और गफलत के साथ पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन वैल है ऐसे लोगों की, क्यों? इसलिए कि सुस्ती कर रहे हैं या गफलत के साथ पढ़ते हैं, उसको गफलत के साथ, उनका दिमाग हाजिर नहीं होता या वक्त के बाद ले जाकर के पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वैल है। तो ये सुस्ती का, ये गफलत का भयानक अंजाम है, इसको अपने दिमाग में रख करके हमें गफलत और सुस्ती से अपने आप को दूर रखना चाहिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, अपने आप को बेहतरीन मुसलमान बना कर रखना चाहिए। नमाज हर वक्त फ़र्ज़ है, कुरान की तिलावत हर वक्त फ़र्ज़ है, दुआएँ हमेशा मांगते रहना चाहिए, अच्छे काम का हुक्म हमेशा देना फ़र्ज़ है, बुराई से रोकना, जब भी आप बुराई देखें बुराई से रोकना फ़र्ज़ है, और दीगर जो भी काम है, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हमेशा आपकी ज़िम्मेदारियों में हैं, उन्हें हमेशा उसके वक्त पर अदा करते रहेंगे तो ये बात अल्लाह को यकीनन प्यारी है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ में हमने गफलत की, सुस्ती की, तो उसका जो नतीजा है वो अपनी आंखों से हम देख लेंगे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हम सभी को गफलत और सुस्ती से दूर रहते हुए अल्लाह हमें बेहतरीन मुसलमान बनने की, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अदा फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।